अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुदस्सिर अमीन। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज हम मिरर लगाने का इतना आसान तरीका सीखेंगे कि मिनटों में हमारे जो मिरर हैं वो लग जाएंगे। तो मैंने ये जो डिज़ाइनिंग की है ये भी बिल्कुल बग़ैर मेहनत के की है, कोई भी मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी। ये मैं मिरर लगाकर बाद में आपको बताती हूँ कि मैंने ये कुर्ता डिज़ाइनिंग किस तरह से किया है। तो इस तरह से ना मैंने ये मिरर ले लिए हैं, ये पत्तियाँ सी बनी हुई हैं। मेरे पास ये लेसिस का पीस था, इसमें से मैंने ये मिरर उतारे हैं। आपको बाज़ार से हर साइज़ के हर तरह के मिरर आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं एक मिरर लेती हूँ और यहाँ पर हमने इसे रखना है। और मैंने ना जो धागा यूज़ किया है वो भी स्टिचिंग वाला है, क्योंकि आसानी से मिल जाता है तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको अगर कोई और यूज़ करना हो तो आप कर सकती हैं। देखो मैंने इस डायरेक्शन में इनको लगाया है, इस तरफ को इसमें, तो इसी तरह से हमने इसको लेना है, अंगूठा रखना है और इस तरह से इस तरफ को चले जाएंगे। ये देखिए, अब हम इस तरफ एक टांका लगाएंगे। ये देखो इनको हमने दोनों तरफ से टांका लगा लिया है। अब ये हिलेगा नहीं तो हम इसको आसानी से अब इसकी फिलिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत जल्द इसकी फिलिंग भी हो जाएगी। एक दो टांके हमने उधर लगाए हैं और एक दो अब इधर लगा देंगे। अब इस तरह से हमने ना जहाँ तक फीलिंग इसकी करनी है हम कर लेंगे। एक तरफ से हमारी जो फीलिंग है वो मुकम्मल हो गई है और अब दूसरी तरफ हम तो ये देखिए हमारा जो मिरर है वो कितनी जल्दी लगकर तैयार हुआ है। अब हम इसी धागे को इस तरह से करके जहाँ पर हमें दूसरा मिरर लगाना है वहाँ ले आते हैं और एक और मिरर को इस तरह से रखेंगे। पहले एक तरफ उसे टांका लगाया, फिर दूसरी तरफ। ये देखिए
तो ये देखिए हमारा ये कुर्ता बनकर तैयार है। मिरल हमने लगा लिए हैं, आपके सामने लगाए हैं, कितनी आसानी से लग गए हैं। और अब मैं इस डिज़ाइनिंग की बात करती हूँ। बेसिकली जो मेरी बहनें घर पर तारकशी करती हैं उन्हें तो पता होगा कि हमारे जो लोन के फैब्रिक हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उसमें जो हम तारकशी करती हैं वो इसी तरह से महफूज रहती है। तो मैंने ये बड़े कुर्ते से तारकशी निकाली है और ईद के लिए ये देखो बग़ैर मेहनत के मैंने ड्रेस को तैयार कर लिया है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने जोड़ लगाया है, ये देखें। तो ये ना मैंने बड़े कुर्ते से तारकशी कट की थी, सेंटर वाले पार्ट से मैंने जो फट्टी लगाते हैं उससे मैंने कट कर ली और यहाँ पर मैंने जोड़ लगाया और उसके ऊपर मैंने ये इस कुर्ते के ऊपर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर दी। और जोड़ को मैंने ना दोनों तरफ से पट्टियाँ लगाकर फैब्रिक की उसको कवर कर दिया है और उसके ऊपर ये टांका कर दिया है और ये मिरर लगा दिए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा और दुआ में भी याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।